नमस्कार। आज के अंक में हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत पर खड़ी रेखाओं के विषय में। अक्सर हम देखते हैं कि कई जातक को यहाँ पे 2, 3, 4 इस प्रकार से खड़ी रेखाएं होती है, इसका क्या अर्थ होता है। तो रेखाओं से पहले ये समझ ले, ये बुद्ध का पर्वत है। तो रेखाओं की शुभ और अशुभ स्थिति इस पर्वत के शुभ और अशुभ होने पे बहुत अधिक निर्भर करेगा। ये बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत क्या कहता है? बुद्ध पर्वत यदि शुभ अवस्था में हो तो ये नए लोगों से संपर्क स्थापित करने की कला को दिखलाता है, शीघ्र विचार करने की योग्यता, बातचीत करने की अच्छी कला, वाक कला को, लोगों के साथ सामंजस्य बनाने की कला, चतुरता बुद्धिमानी को भी दिखलाता है, शीघ्र कार्य को निपटाने की कला, नए कार्य में रुचि, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। ये तो मैंने बता दिए बुद्ध पर्वत के जो प्रॉपर्टीज है, अर्थात बुद्ध पर्वत के गुण। ये बुद्ध पर्वत हमारा ये है। अब है कि बुद्ध पर्वत शुभ अशुभ सामान्य अन्य अवस्थाओं में भी हो सकता है, इसके क्या अर्थ पड़ते हैं। सबसे पहले जान लें रेखाओं के विषय में। यहाँ पर अगर आपके हथेली में कई रेखाएं हैं तो ये आपके लिए अति शुभ स्थिति उत्पन्न करता है। ऐसे जातक, खास करके ऐसे जातक अगर व्यापारी हैं, व्यापारी करने का अर्थ है आप बिजनेसमैन हैं, किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, छोटा या बड़ा करते हैं, आपको आगे बढ़ने की बहुत अधिक मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि ये व्यापार में असाधारण योग्यता को दिखलाता है, ऐसा शास्त्र में स्पष्ट लिखा है। ध्यान दें, अगर आपका बुद्ध पर्वत शुभ अवस्था में हो, पर्वतों का भी शुभ होना अति आवश्यक है, अगर पर्वत अशुभ हो जाएंगे तो इस रेखाओं के शुभ फल में बहुत कमी आ जाएगी, फिर स्थिति इधर से उधर हो जाती है, कन्फ्यूजन यहीं उत्पन्न हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे हाथों में रेखाएं हैं, लेकिन जब हथेली को देखी जाती है तो पता चलता है कि बुद्ध पर्वत इसके या तो अशुभ हैं या फिर नीच के हैं। तो उच्च के हों, अच्छे हों तो ये पूर्णतः फल देंगे, सामान्य है तो फल भी सामान्य मिलेगा, ये मानना। चलिए हम बात कर रहे थे रेखाओं की। तो व्यापार में असाधारण योग्यता, अगर यहाँ 2, 3, 4 रेखाएँ हैं तो आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आप उतर सकते हैं। व्यापार में समझ है, आपको पैसों की समझ है, ऐसा ये रेखा कहता है। किसी भी कार्य करने की समझ, लोगों के साथ सामंजस्य बना के कार्य करना, चूंकि व्यापार में आपसी रिलेशन से लोग पैसा कमाते हैं। एक व्यापारी जो है एक रिलेशन बना लेता है बहुत, वो उसको पूर्वानुमान, किसी भी कार्य में कल क्या होने वाला है, आज कोई सामान खरीद के लाया उसे पूर्वानुमान है कि इसका रेट बढ़ सकता है या घट सकता है, तो उस माल को निकाल देता है। तो इस प्रकार के पूर्वानुमान की प्रवृत्ति, व्यापार में समझ, पैसों की समझ, मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ा गुण होता है जिसकी हथेली में ये 2, 3, 4 रेखाएँ होती है। अगर मान लिया जाए आपकी हथेली में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा है, तो एक रेखा भी शुभ स्थिति की काम कार्य करता है। मान लिया जाए आपकी हथेली में इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ सिंगल रेखा है, ये भी अति शुभ स्थिति है। ऐसे जातक धनवान होते हैं और समृद्ध होते हैं। तो क्या 3-4 रेखा वाले धनवान नहीं थे? ये तो उसमें फिर ये प्रॉपर्टीज बढ़ गई। 3-4 रेखा है, व्यापार अत्यधिक चलेगा तो पैसे तो उनके पास रहेंगे ही रहेंगे, धन तो बहुत रहेगा अपने कार्य को जहाँ तक ले जाए। अब है कि सिंगल रेखा है तो धनवान और समृद्ध व्यापार की समझ भी होती है, तो स्थितियाँ यही है। और अगर बुद्ध पर्वत कमजोर, रेखाएं तो यहाँ 2-3 है, अगर ये रेखा आपस में उलझी हुई है, क्रॉस है, तो ये शुभ चिन्ह नहीं है। लेकिन कुछ रेखाएं होती है कि कुछ इस प्रकार से भी तिरछी उड़छी रेखाएं हैं, तो ये वैज्ञानिक गतिविधि को भी दिखलाता है, मतलब नया सोच, नए कुछ कार्य करने की क्षमता, साथ में चिकित्सकीय गतिविधि, इस प्रकार से शास्त्र में लिखा गया है। लेकिन ये नए सोच इन्वेंशन को दिखलाता है, कुछ नया करने की योग्यता, कुछ नया करना चाहना, मन में कुछ कि लोगों से हट के कुछ कार्य करूं, इस प्रकार की एक्टिविटी को भी ये रेखाएं दिखलाती है। तो अब है तो बुद्ध शुभ है तो टोटल शुभ है, लेकिन अगर बुद्ध पर्वत शुभ अवस्था में नहीं है तो ऐसे जातक चालाक हो जाते हैं, धोखेबाज हो जाते हैं, मतलबी हो जाते हैं, छल प्रपंच जानते हैं, अपना कार्य निकालते हैं। अगर बुद्ध नीच अवस्था में तो ऐसे जातक को कार्य में मन नहीं लगता है, हिसाब किताब से दूर भागते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखलाती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।